बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे दोस्तों, प्यारियों से दादियों, ठीक ठाक? अच्छा, आज मैं आपके सामने आपको डार्क ब्राउन का फार्मूला दे रहा हूँ। डार्क ब्राउन जो है, एनामल डार्क ब्राउन, इसका जो तरीकाकार है वो ये है कि आपने डिस्पर्सिंग एजेंट लेना है 196 और 200 ग्राम, बेंटोन लेना है 200 ग्राम, रेजन जो है 556 यानी 556 लेना है 6 किलो, तारपीन 20 किलो, और रेड ऑक्साइड जो है वो 15 किलो लेना है, मिडल क्रोम जो है वो 4 किलो लेना है, और प्रिंटिक्स भी जो है वो 1 किलो 200 ग्राम। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपने ट्रैक्टर में डाल देनी है सिवाए तारपीन के। तारपीन क्योंकि ज़्यादा मिकदार में इसलिए ऊपर रखी जाती है क्योंकि ट्रैक्टर जो है ये ज़मीन से कोई थोड़ा सा तकरीबन 3-4 फुट जो है ना तकरीबन ऊंचा होता है ज़मीन से, और एक साइड पे सीढ़ियाँ होती हैं जहाँ से चढ़ के ऊपर मशीन पे जाता है, क्योंकि नीचे टैंक रखना होता है, टैंकी वगैरह रखनी होती है। टैंकी नीचे रखते हैं तो फिर वाल खोलते हैं, वाल खोल के जो ऊपर पेस्ट बनती है वो नीचे फिर गिरती है, क्योंकि ये ज़मीन के साथ नहीं लगा होता, ये ज़मीन से 3 फुट 3.5 फुट ऊँचा होता है ताकि टैंकी जो है वो ईजी रखी जाए। तो आपने क्या करना है कि जब जब 20 किलो जो तारपीन है, तारपीन इसलिए ज़्यादा रखते हैं कि ये आपके स्टैंड बाई है, क्योंकि इससे आपने वो जो क्या कहते हैं मशीन भी लोड करनी है और उसके बाद आपने मशीन को धोना भी एंड पे, साफ सुथरा करना है कि किसी किस्म की जो है ना शेड की अमेजिश जो है ना वो ना रहे। ये जो ट्रैक्टर होता है ये डबल जैकेट होता है। डबल जैकेट का मकसद ये होता है कि अंदर वाली जो जैकेट होती है, जो ड्रम होता है जिसके अंदर पेस्ट बनती है एनामल की, तो उसमें पेस्ट बनती है, तो दूसरी बाहर वाली जो जैकेट होती है ये बंद होती है, लेकिन इसमें जो 2 इंच 2.5 इंच का जो खला होता है, इस खला में पानी चलता है, नीचे से पानी इन करते हैं और ऊपर से आउट कर देते हैं ताकि पानी ताज़ा आता जाता रहे, ताकि हमारी जो पेस्ट है वो गर्म ना हो, ठीक है, हीट अप ना हो। जब पेस्ट हीट अप हो जाती है तो वो रबड़ की शक्ल इख्तियार कर जाती है, तो जो रबड़ की शक्ल इख्तियार कर जाती है, बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आता कि ये रबड़ बन गई है, लेकिन जब हम उसको ट्रैक्टर से निकाल के वाल मिक्सचर के नीचे लेकर जाते हैं, उसके तमाम दूसरे केमिकल्स ड्रायर वगैरह डालते हैं, तो जब वो मुकम्मल हो जाता है तो क्या होता है कि जब उसको हम फिलिंग करते हैं तो फिलिंग के बाद हमारे जो पिगमेंट्स हैं जो हीट अप हुई हुई हैं तो वो नीचे बैठ जाती हैं, जिससे हमारे पेंट की क्वालिटी जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए पानी चलाते हैं ताकि पेस्ट जो है ना हमारी ठंडी रहे और रगड़ाई हमारी मुकम्मल हो। अगर 2 घंटे का टाइम है तो 2 घंटे चलना चाहिए, 3 घंटे का टाइम है मशीन को 3 घंटे चलना है। हर शेड का मैं टाइम बताऊँगा साथ साथ, ये आपका 1.5 घंटा जो है ये मशीन चलेगी डार्क ब्राउन। तो ये तमाम चीज़ें जो आपने डालनी है मैंने बताई हैं सारी, ये आपने ऐसा ऐसा डाल के तो मशीन को लोड करना है। मशीन को जब लोड करते हैं तो आटे की तरह जो है ना वो हमारी पेस्ट होनी चाहिए ऊपर ट्रैक्टर में, ना कि पानी की तरह। पानी की तरह होगी तो हमारी पेस्ट जो है वो उसमें ग्लॉसी नहीं होगा, यानी वो पिगमेंट्स जो हमारी उनमें चमक पैदा नहीं होगी, और उसके बाद क्या कहते हैं दाना उसमें रहेगा, दाना नहीं सही मरेगा, क्योंकि जब गोलियां आपस में रगड़ी नहीं है, गोलियों ने ये जरकोनिया सरामिक्स की बनी होती हैं, ये बहुत हार्ड गोलियां होती हैं, ये टूटती कम ही हैं, तो जब ये गोलियां आपस में रगड़ती हैं, रेजन होता है इसमें, इसमें तारपीन होती है, इसमें पिगमेंट्स होते हैं, ये जब आपस में जब बहुत ज़्यादा रगड़ करती हैं तो उसमें क्या होता है, एक तो हमारे पिगमेंट्स की जो दाना होता है, ग्रेन जो होता है
वो मिक्स होता है, वो मरता है और दूसरी उसमें चमक पैदा होती है, ठीक है। और ये जो आपने सारी चीज़ें आपने डालनी है, डाल के 1.5 से 2 घंटे आपने इस मशीन को चलाना है, चला के जब आपका टाइम पूरा हो जाए तो फिर आपने इसमें 6 किलो जो है रेजन, इसको ट्रैक्टर को बंद कर देना। बंद करके 6 किलो आपने पहले ही तोल के रखा हो, 15 मिनट पहले ही तोल के रखा हो, क्योंकि वक्त नहीं ज़ाया होना चाहिए। तो आपने वो 6 किलो तोल के तो पास रखा हो, जब इसका टाइम मुकम्मल हो ट्रैक्टर को बंद करें, उसमें 6 किलो रेजन डाल दें। रेजन डाल के तो फिर उसको मिक्स होने दें। जब वो मिक्स होता जाएगा, ऐसा ऐसा तारपीन आपके पास स्टैंड बाई पड़ी हुई है, वो ऐसा ऐसा वो आप डालते जाए ताकि मजीद ये पतली हो जाए, क्योंकि अब हमने ट्रैक्टर से इसको बाहर निकालना है। बाहर निकाल के तो नीचे वाल खोल के टैंक में डालना है, फिर टैंक में जब पेस्ट मुकम्मल हो जाएगी, पूरी सफाई हो जाएगी, गोलियां साफ सुथरी हो जाएंगी, और उसके बाद क्या कहते हैं राड जो है वो, क्योंकि स्टेनलेस स्टील के होते हैं, ये लोहे के नहीं होने चाहिए, स्टेनलेस स्टील के होते हैं, ये खुरने नहीं चाहिए। तो जब ये साफ सुथरी हो जाए तो उसको टैंकी को लेकर आप वाल मिक्सचर के नीचे ले जाएं। जब वाल मिक्सचर के नीचे लेकर जाएंगे तो फिर उसमें आपने यही जो रेजन है फिर 106 kg आपने डालना है। ये रेजन क्योंकि हार्ड होता है तो इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा डालें, ताकि ये जब ज़्यादा डालेंगे तो जो वाल मिक्सचर का जो पैडल होता है इसमें ये चिमट जाता है ना, ये वाला वो क्या कहते हैं रेजन, तो फिर काफ़ी धमक महसूस होती है मशीन को। मशीन का खुदा ना खासा एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई चीज़ भी टूट सकती है, क्योंकि हार्ड होता है रेजन। तो इसलिए बड़े आराम से थोड़ा थोड़ा डाल के तो इसको मिक्स करें। जब ये मिक्स हो जाए आपको तसल्ली हो जाएगा कि रेजन सारा जो है वो पेस्ट के अंदर मिक्स हो गया। फिर उसके अंदर आपने पेट्रोसन सोलूशन जो है, इसका मैंने ऑलरेडी फार्मूला दिया हुआ है, ये जो पेट्रोसन सोलूशन है इसको आपने 18 किलो इसमें फिर डाल देना, फिर इसकी मिक्सिंग करनी है। जब मिक्स हो जाए आपको महसूस हो जाएगा कि ये मिक्स हो गया। उसके बाद 272-10 ये ड्रायर है, इसका कोड है, ये भी मैंने आपको दिया हुआ है ड्रायर बनाने का तरीका, ड्रायर किस तरह बनाना है। ये कोबाल्ट होता है, कैल्शियम होता है और जिरकोनियम होता है। ये 3 किलो 500 ग्राम डालना है। फिर आपने डाइपेंटीन E22 यानी एंटी स्किन, ये दोनों का मरकब जो है, ये 272-15 इसका कोड है, तो मैं कोड ही बताया करूँगा फार्मूले में, ठीक है। तो ये 6 किलो 500 ग्राम है। फिर उसके बाद तारपीन जो है वो 13 किलो है, क्योंकि ऊपर से भी आपने कोई बचाई होगी, अगर बची है तो ठीक है, नहीं बची तो कोई बात नहीं, डालनी तो डालनी थी, तो ऊपर डल गई तो कोई फिर भी ठीक है, अगर कुछ बच गई है वो नीचे डाल जाएगी, लेकिन नीचे जो है 13 किलो आपने डालनी है। फिर एंड पे आपने 300 ग्राम सिलिकॉन, सिलिकॉन का भी ऑलरेडी मैं फार्मूला दे चुका हूँ, वो आपके सामने यहाँ पे मेरी वीडियो है, उसमें सारा तरीका सिलिकॉन का है कि सिलिकॉन का, सिलिकॉन जो है ना ये आपकी पेंट की उम्र बढ़ाती है सिलिकॉन। ये मैं 2 साल 3 साल 4 साल की बात नहीं कर रहा, 5-6 साल की बात कर रहा हूँ। ये आपका एनामल जो है ना, इसमें सिलिकॉन की क्वालिटी ये है कि ये आपके पेंट को, मैं कहता हूँ, किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देगी सिलिकॉन। ये एक चीज़ है, ये मैं एक समझ लें कि एक अपने दिल की टिप्स जो है ना वो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये पता नहीं मुझे कोई डालता कि नहीं डालता, लेकिन मैं डालता हूँ। मैं इसलिए डालता हूँ कि मुझे पता है कि जब मैं ये पेंट में डालता हूँ तो इसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, इसकी उम्र बढ़ जाती है इसकी पेंट की। तो इसलिए बात यह है कि ये सिलिकॉन डाल के तो मिक्सिंग कर दें, वाल मिक्सचर को बंद करें। वाल मिक्सचर को बंद किया है, इसको वाल मिक्सचर से नीचे टैंकी को बाहर ले जाएं, बाहर निकालें। उसके बाद एक छोटी टैंकी बनाई होती है हमने, तो उसमें मलमल का कपड़ा जो है, ब्रिक मलमल का कपड़ा जो है वो बांध देते हैं, वो उसके ऊपर जो जग के साथ हम जब बड़ी टैंकी में से वो मलमल के ऊपर डालते हैं, वो फिल्टर हो जाता है रंग, फिल्टर होके तो फिर डब्बी जो है वो 250 ग्राम की भरते हैं। 900 ग्राम का क्वार्टर होता है, 3 किलो 800 ग्राम का जो है ना गैलन होगी, तो आपने फिलिंग करनी है इसकी, तो फिलिंग करके तो आपका बैज मुकम्मल। हर चीज़ को धोएं, हर चीज़ को साफ करें, देखें ये ना हो, फिल्टर तो आपने कर दिया लेकिन गैलन क्वार्टर और डब्बी में कोई कचरा वगैरह हो या गर्दोगुबार हो तो कोई फ़ायदा नहीं वो फिल्टर करने का, उसको साफ करें।
ये क्योंकि बहुत तेज तरार धार धात होती है, ये साफ करते करते हाथ को चोट लग जाती है, हाथ कट जाता है। प्लीज इसका भी ख्याल रखें कि हाथ जो है ना वो कटे ना, तो इसलिए बड़े अच्छे तरीके से कपड़े के साथ साफ करें, फूके मारें कि ताकि किसी किस्म का जो है ना कचरा वगैरह इसमें ना हो। साफ करके तो इसकी फिलिंग करें, ढकना लगाएं, सीलें लगाएं, आपका बैज मुकम्मल है इंशाल्लाह ताला। इसी तरह ही जो है ना आप सारे शेड बनाएं, मैं बताता जाता हूँ, आप बनाते जाएं। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई है। तो मैं तो बड़ी ईमानदारी से आपको फार्मूला दे रहा हूँ, तो ये इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे दोस्तों का फ़ायदा हो, और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके बच्चों को आपके लिए सदका जारिया बनाए, मेरा और आपका अल्लाह ताला हामी और नासर हो। इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।